हेलो दोस्तों। जी हाँ, आज हम त्रिकोणमिति 10वीं कक्षा के 8.1 प्रश्नावली 8.1 का तीसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें 10वीं और 11वीं प्रश्न बचे हुए थे, उसी को हमें आज का करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं बता दूँ, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एमके स्टडी नॉलेज। इसके पहले त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का दो वीडियो बनाया गया है, जिसका भाग वन और भाग टू करके, ठीक, भाग वन और भाग टू करके वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। ठीक, तो आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 10वां नंबर प्रश्न जो दिया है, वो प्रश्न कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों समकोण है, क्या है समकोण, अर्थात 90° प्राप्त होगा, और दिया है पी क्यू प्लस क्यू आर। पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर क्या दिया है, 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पी आर प्लस क्यू आर है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो मान ज्ञात करना है साइन पी, कास पी और टैन पी का मान ज्ञात करना है। ठीक, यानी यही हमें तीन मान ज्ञात करने हैं, जिसमें एक त्रिभुज दिया है। क्या दिया है, त्रिभुज, तो हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण क्यों जो है वो क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। समकोण के लिए हमें क्या लिखना चाहिए, यानी यहाँ बिंदु क्यों लेना पड़ेगा, उसके बाद हमें त्रिभुज बनाना है, तो तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ठीक, यानी ये वाला क्यों हमें क्या प्राप्त हो गया, समकोण प्राप्त हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, पी मान लेते हैं इसे, इसके बाद ये क्यू, ये क्या प्राप्त हो गया, आर। ठीक, और प्रश्न में दिया है पी क्यू, तो पी क्यू यानी पी और क्यू कितना दे दिए, यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, कितना 5 सेंटीमीटर, और ये पी आर प्लस क्यू आर यानी यहाँ से ये, उसके बाद ये दूरी टोटल ऐड करके कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात जो दिया उसे लेकर चलेंगे तो सॉल्यूशन उसका हम देखेंगे। तो दिया है पी आर, क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगली लाइन से हम क्या करेंगे, इसका इस तरफ कर देंगे पक्षांतर, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अब अगली लाइन से कर दीजिए पक्षांतर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, चूंकि क्यू आर इस तरफ प्लस में है, इस तरफ ले जाएंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस में प्राप्त होगा। ठीक, अगली लाइन से कामा पी क्यू बराबर क्या दिया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिखेंगे बड़ी आसानी से 5 सेंटीमीटर। अगली लाइन से पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जो होता है इसके लिए भी वीडियो बनाया गया है, तो वीडियो लिंक का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर लीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा आधार का स्क्वायर, तो कर्ण के स्थान पर इसमें देखिए क्या दिया है, पी आर दिया है, क्या दिया है, पी आर, तो अगली लाइन से हमें प्राप्त हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, लंब के स्थान पर क्या दिया है, आर क्यू या क्यू आर, तो हम लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार के स्थान पर क्या दिया है, पी क्यू दिया है, तो आधार के स्थान पर पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे, जिसका जिसका मान हमें पता है हम क्या करेंगे, उसका मान रख देंगे, बाकी सेम वही प्रोसेस में रहेगा। तो देखिए पी आर के स्थान पर 25 माइनस क्यू आर रखेंगे, तो पी आर यहाँ लिखेंगे, इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, 25 माइनस क्यू आर। ठीक, तो इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बराबर ये प्राप्त है क्यू आर का स्क्वायर और ये प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू के स्थान पर क्या दिया है, 5 दिया है, तो 5 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक, तो अगला यहाँ से 25, यानी ये देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप का है, किसके हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में है, तो सर्व समीख्या के लिए भी वीडियो बनाया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या प्राप्त होता है, प्राप्त होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी के फॉर्म में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर को, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 625 प्लस बी के स्थान पर क्यू आर दिया है, तो क्या करेंगे, क्यू आर का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, माइनस 2ab होता है, 2ab अर्थात 2 × 25 और गुणत्य में क्या प्राप्त हो जाएगा, क्यू आर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो 25 का गुणा 2 कर देंगे में क्या प्राप्त हो जाएगा, 50, तो डायरेक्ट 50 लिख दिया जा रहा है, और क्यू आर है तो क्यू आर बराबर ये प्राप्त हो जा रहा है, क्यू आर स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे ना प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, 5 का स्क्वायर 25 प्राप्त होता है, तो यहाँ 25 प्राप्त हो जाएगा। तो अगली लाइन से 625 और इस प्लस 25 का इस तरफ कर लीजिए पिछांतर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, -25 प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, -25 कर लेंगे। उसके बाद देखिए क्यू आर से एक क्यू आर दोनों क्या है, प्लस में है, कैंसिल आउट कर दिया जाएगा, ये क्यू आर स्क्वायर था, यहाँ क्यू आर स्क्वायर था, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये -50 क्यू आर जो है इसका उस तरफ पर जीव छानता है, तो यहाँ माइनस है उस तरफ ले जाएंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, प्लस में प्राप्त हो जाएगा, तो ये प्राप्त हो जाएगा 50 क्यू आर। ठीक, तो अगला देखिए 625 में से 25 घटा कितना बचेगा, 600 बचेगा,
इम्प्लाइज दैट में प्राप्त हो जाएगा 600 बराबर 50 क्यू आर। ठीक, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 5 से भाग दे देंगे इसमें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्यू आर बराबर, तो ये प्राप्त हो जाएगा 60/5, 5 × 5 = 12, 5×60 अर्थात क्यू आर का जो मान निकला वो कितना निकला है, 12 निकला, कितना 12 निकला है। क्यू आर का मान समीकरण एक से, तो समीकरण एक क्या था, यहाँ से देखें, यहाँ हमें निकल गया है क्यू आर बराबर 12 सेंटीमीटर। और अगला इसे हम क्या करेंगे, यानी ये जो यहाँ क्यू आर था लंब, यानी लंब बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया, 12 सेंटीमीटर, और ये आधार 5 सेंटीमीटर प्राप्त है। अब कर्ण निकालेंगे, तो कर्ण निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट लेकर चलेंगे, तो यहाँ जहाँ क्यू आर लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा पी ए आर प्लस 12 बराबर 25। तो इसका इस तरफ कर देंगे फिर से पूछांतर, तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, पी आर बराबर 25 - 12, तो 25 में से 12 को घटा देंगे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। कितना प्राप्त हो गया, 13 सेंटीमीटर, अर्थात तो ये जो कर्ण हमें प्राप्त हो गया ये टोटल में क्या प्राप्त हो गया, 13 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात क्या करना था, साइन पी कास पी और टैन पी का मान। तो आपको बताया गया होगा त्रिकोणमिति भाग 1 यानी पार्ट 1 वीडियो में त्रिकोणमिति सरसों क्या ही बताया गया, यानी साइन थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, कास थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, यही सब बताया गया है पार्ट 1 वीडियो में। तो यहाँ हमें क्या लेना था, पी वाला कोड लेना था, जो कि साइन पी, तो साइन पी जब हम लेकर चलेंगे तो साइन थीटा बराबर, या फिर जो पी कार्य कर रहा है थीटा के लिए कार्य कर रहा है, तो साइन थीटा बराबर में प्राप्त होता है लंब बटे कर्ण, क्या प्राप्त होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ले लिया जाएगा। और अगली लाइन से साइन पी, यानी ये वाला कोण लेंगे तो इसकी समभुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, तो साइन थीटा बराबर प्राप्त होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब प्राप्त हुआ है 12, कितना प्राप्त हुआ है 12, और कर्ण प्राप्त हुआ है 13, तो बटे में क्या प्राप्त हो जाएगा, 13। अगली लाइन से कास पी का मान निकालना है, तो कास पी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, क्या प्राप्त होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार के स्थान पर कितना दिया है, 5 दिया है, बटे कर्ण कितना प्राप्त हुआ है, 13 प्राप्त हुआ है। अगली लाइन से हम टैन पी का मान निकालेंगे, तो टैन थीटा बराबर जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है लंब बटे आधार, क्या प्राप्त होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना प्राप्त हुआ है 12, तो हम क्या करेंगे 12, और आधार कितना प्राप्त हुआ है 5, तो ये प्राप्त हो गया 5। बस यही हमें 3 मान क्या करने थे, ज्ञात करने थे, यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर भी, तब आपको लिखना है यदि ये तथ्य, तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो है उसमें हमें क्या करना है, सत्य और सत्य क्या बताना है, यानी सत्य कौन सा होता है या फिर असत्य कौन सा है। तो प्रश्न दिया है निम्नलिखित को कथन के सत्य और असत्य बताइए, कारण सहित बताना है। तो जिसमें पहला प्रश्न दिया है टैन ए का मान सदैव 1 से कम होता है, जी नहीं दोस्तों, ये प्रश्न क्या है, ये असत्य कथन है, क्योंकि जो टैन ए का मान हमें प्राप्त हो रहा है अगर 1 से कम कहा जाए तो ये प्राप्त होता है tan 45 पर, तो tan 45 का मान हमें 1 प्राप्त होता है, और एक मान और यदि आप ध्यान दिए होंगे तो tan 60 इसका मान हमें प्राप्त होता है √3। ठीक, तो √3 का जो मान हमें प्राप्त होता है 1.732 प्राप्त होता है। अब देखिए 1.732 मतलब, यानी एक में कुछ बड़ा है, क्या बड़ा है, 0.732 बड़ा है किसमें, एक में, यानी एक में इतना जोड़ दिया जाए तो ये क्या है, बड़ा है, तो चूंकि इसमें मैं क्या कह रहा था, कम, यानी कम होता है सदैव के लिए, तो यह इसी कारण से यह क्या कहा जाएगा, असत्य होता है, क्या होता है, असत्य होता है। अगला जो प्रश्न है, कोण ए के लिए किसी भी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5, जी हाँ दोस्तों ये केवल हमें त्रिभुज पर प्राप्त हो गया, यानी त्रिभुज के लिए हमें सेक थीटा बराबर क्या प्राप्त होता है, कर्ण बटे आधार, जी हाँ दोस्तों यदि किसी त्रिभुज में कर्ण दिया हो 5 12 सेंटीमीटर और आधार दिया हो, क्या ना, कर्ण बटे आधार, तो आधार दिया होगा यदि 5 सेंटीमीटर या फिर कुछ भी इकाई यूनिट में दिया होगा, तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, सत्य होगा, तो यह कथन आप क्या कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं। और अगला जो प्राप्त, तो तीसरा प्रश्न जो है वो दिया है, कास ए को कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, जी नहीं दोस्तों, कास ए के लिए जो हमें कोण ए का कोसेंट यानी प्राप्त होता है वो कोसाइन होता है, क्या होता है, कोसाइन होता है, तो कोसेंट कॉट के लिए प्राप्त, कोसेक के लिए प्राप्त होगा, चूंकि यह कथन कोसाइन प्राप्त होता है कोसेंट नहीं होता है, तो यह कथन हम क्या कह सकते हैं, असत्य में प्राप्त हो रहा है। ठीक, और अगला जो प्रश्न है, काट ए और काट और ए का गुणनफल होता है, जी नहीं दोस्तों ये गुणनफल नहीं होता, क्योंकि यदि हम बात करें काट इंटू या फिर काट ए के लिए, तो काट ये जो ए कार्य कर रहा है वो थीटा से बिलोंग करता है, अर्थात थीटा में प्राप्त होता है, और जो थीटा जो वैल्यू होते हैं वो प्राप्त होते हैं 0, 30 अंश, 45 अंश, उसके बाद 60 अंश, 90 अंश प्राप्त होते हैं। ठीक, यानी ये थीटा के साथ अपना मान निर्भर करते हैं, न कि गुणा के साथ, यानी हम ये नहीं कह सकते काट में 30 अंश का गुणा करते हैं, ऐसा नहीं लिखा जाता, यानी केवल हम ये कह सकते हैं काट 30 अंश होता है,
क्योंकि काट इंटू 30 यही लिख सकते हैं, केवल काट लिख रहे हैं, थीटा गुणा के रूप में नहीं प्राप्त होता, उसी के साथ उसके मान पर निर्भर करता है। ठीक, तो ये भी कथन में क्या प्राप्त हो जाएगा, असत्य होगा। ठीक, और अगला जो प्रश्न दिया है, किसी भी कोण के लिए थीटा साइन 3/4 प्राप्त होता है। जी नहीं दोस्तों, किसी भी कोण के लिए थीटा 4/3 नहीं प्राप्त होगा, जब थीटा बराबर दिया होगा कोण, यानी थीटा ही कोण होगा, उसके बाद साइन थीटा के लिए क्या प्राप्त होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब के लिए हमें क्या प्राप्त होगा 4 और कर्ण के लिए 3। जब इतना सब कुछ हमें प्राप्त होगा तभी ये मान हमें प्राप्त हो सकता है, यानी ये सब मान यदि नहीं दिया होगा तो किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं प्राप्त हो सकता, तो ये भी कथन क्या है, असत्य है। ठीक, इसी के साथ दोस्तों यह प्रश्नावली समाप्त होता है, यानी प्रश्नावली 8.1 का आज समापन हो गया है, और आगे हम बात करेंगे कुछ फार्मूलों के बारे में जिसके माध्यम से आगे प्रश्नावली को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।